आजादी दिया है। हम आपके आराधना आत्मा और सत्यता में कर सकते हैं परमेश्वर पिता, उन अधिकार के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद आपको आज के इस सुबह परमेश्वर पिता। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सारे व्यक्ति के जीवन में प्रभु हम आपके छुटकारे को, आपके शांति को हम घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु उनको हम आपके चरण में लेके आते हैं प्रभु, और हम अपने आप को भी आपके चरण में लाते हैं परमेश्वर पिता। और हम आपसे कहते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, हम हर एक हृदय को प्रभु तृप्त कीजिए उन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता। धन्यवाद आपको प्रभु आपके उपस्थिति के लिए, और बाकी के समय आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। Now it's time for Word of God, so let's welcome our senior pastor, Reverend Daniel Lepcha, and we believe that you are ready with your pen, diary, and Bible. You don't have to die. आपको मरने की जरूरत नहीं है. You don't have to die. आपको मरने की जरूरत नहीं है. This is the title of my message today. और आज ये मेरे संदेश का शीर्षक है. Today we are going to look at 2 Kings 7:3-16. और आज हम दूसरा राजा 7 का 3 से 16 तक देखेंगे. But we are not going to read it right now. और अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे. But I would request you. पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ. As you are sitting in front of your devices. जैसे आप अपने यंत्र या डिवाइस के आगे बैठे हैं. Take your Bible. आप अपने बाइबल को लीजिए. Your hard copy Bible. आपका जो हार्ड कॉपी, आपके बाइबल जो आपके हाथ में हो. And open it to 2 Kings 7:3-16. और आप उसे दूसरा राजा 7 का 3 से 16 में खोले. Keep it open and keep it on your lap. आप इसको खोले और बाइबल को अपनी गोदी में रखे. As we proceed, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, we will be picking up some of the verses from this whole passage. और इस पूरे अध्याय से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे. And you can follow me. आप इसको ध्यान से सुने. My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, now, अभी, I and you have to tune up our ears to hear God's voice. आपको और मुझे, हमें अपने कानों को परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाना है. Jesus said in Matthew 11:15. यीशु ने मत्ती 11 का 15 में कहा, He who has ears to hear, let him hear. जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ले. And also it says Revelation 2:7. और प्रकाशित वाक्य 2 का 7 में लिखा है, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. जिसके कान हो, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। Jesus came from heaven. यीशु स्वर्ग से आए. In our midst. हमारे बीच में. You know why? आपको पता है क्यों? So that he can make us victorious people. कि वो हमें जयवंत लोग बनाए. By his death and resurrection. उनके मृत्यु और उनके पुनरुत्थान से. The Lord God expects you and me to be overcomers. प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं हम जय को प्राप्त करें. In every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में. His grace is sufficient for you and me. उनका अनुग्रह आपके और मेरे लिए काफी है. If you hear the voice of God. अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं. There are at least 4 ways God speaks to us. कम से कम ऐसे 4 तरीके हैं जहाँ पे परमेश्वर हमसे बात करते हैं. Number 1. पहला. Sometimes you may hear His audible voice. और कभी आप उनके स्पष्ट आवाज को सुन सकते हैं. Because Jesus said. क्योंकि यीशु ने कहा. My sheep hears my voice. मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनती है. The Jesus says sheep can hear His voice. और यीशु के भेड़ उनकी आवाज को सुन सकती है. Second. दूसरा. He speaks through His word. वो अपने वचन से बात करते हैं. When you read the Bible, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं. When you hear the preaching of the word of God, जब आप वचन के प्रचार किया जाने को सुनते हैं. You can hear God's voice. आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं. Through the preaching of the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रचार करने से. By reading your Bible. अपने बाइबल को पढ़ने से. Thirdly. तीसरा. God speaks to us through mature servants of God, mature believers.
और परमेश्वर अपने परिपक्व सेवक या विश्वासी के द्वारा भी बात करते हैं इन देयर काउंसलिंग एंड इन देयर विजडम उनके सलाह और उनके बुद्धि से Yes, always, you know, we should listen to our senior leaders, those who are mature in the Lord. और ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा अपने परिपक्व सेवक और अगुए को हम सुने And sometimes God speaks to us through the circumstances. और कभी कभी परमेश्वर हमारे स्थिति से भी बात करते हैं But today we are going to understand what the Lord God is saying through this passage of the Bible. और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अध्याय से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं We try to understand His truth from this passage of the Bible. और हम उनके सच्चाई को इस अध्याय से समझने की कोशिश करेंगे I believe God has to say something to us today. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं Second Kings 7:3 says. और दूसरा राजा 7:3 कहता है Now there were four leprous men at the entrance of the gate. और चार कोढ़ी फाटक के बाहर थे These four leprous were at the city gate. और ये चार कोढ़ी फाटक के बाहर थे एंड दिस लेपर्स वर इन होपलेस सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ और ये कुष्ठ रोगी अपनी निराशजनक स्थिति में थे बिकॉज ऑफ देयर लेप्रसी दे कैन नॉट गो इनसाइड द सिटी और उनके कुष्ठ रोग के कारण वो शहर के अंदर नहीं जा सकते थे और द बाइबल सेज लेविटिकस 13:45-46 क्योंकि लेव्य व्यवस्था 13:45-46 कहता है नाउ द लेपर ऑन होम द सोर इज His clothes shall be torn and his head bare and he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean. He shall be unclean all the days he has the sore. He shall be unclean. He is unclean and he shall dwell alone. His dwelling shall be outside the camp. और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वो अपने ऊपर वाले होंठ को थापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे जितने दिन तक वो व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वो तो अशुद्ध रहेगा और वो अशुद्ध ठहरा रहे इसीलिए वो अकेला रहा करे उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो बिकॉज ऑफ दिस लेप्रसी और ये कुष्ठ रोग के कारण दे वर इन होपलेस सिचुएशन वो निराशजनक स्थिति में थे नाउ Leprosy is in the Bible is a type and illustration of sin. Bible में कोढ़ या कुष्ठ रोग पाप का प्रतीक और चित्रण है. Because leprosy spoils and ruins life. क्योंकि कुष्ठ रोग जीवन को खराब और बर्बाद करता है. Leprosy separates its victim from others in the society. कोढ़ या कुष्ठ रोग अपने शिकार को समाज के अन्य लोगों से अलग करता है So does sin. ऐसा पाप भी करता है Sin spoils life. पाप जीवन को खराब करता है It ruins life. ये जीवन को बर्बाद करता है Sin separates us from God. पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है Romans 8:13 says. रोमियो 8:13 कहता है For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे Also Galatians 6:8 says. और गलातियों 6:8 कहता है Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को कटनी काटेगा It talks about living in sin. ये पाप में जीने को दिखाता है And if a believer lives in sin, the sin will destroy his life. अगर एक व्यक्ति या एक विश्वासी पाप में रहता है तो वो जीवन को नाश करेगा Just as leprosy ruins a life, जैसे ये कुष्ठ रोग जीवन को बर्बाद करता है Slowly but steadily, धीरे धीरे पर ये जरूर करता है Similarly, sin, when a person lives in sin, the sin separates him from God and it ruins and destroys his life. और जब एक मनुष्य पाप में रहता है तो पाप उसके जीवन को खराब और बर्बाद करता है और परमेश्वर से भी अलग कर देता है But God created humans to live with him in fellowship.
पर परमेश्वर ने तो मनुष्य की सृष्टि की कि वो परमेश्वर के साथ वो संगति में बने रहे। But when sin entered humanity, पर लेकिन जब पाप ने मानवता में प्रवेश किया, it separated us from God. तो इसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। Today I have 3 points to share with you. और आज मेरे पास 3 बिंदु है आपसे बांटने के लिए। From this leper's life. ये चार कोरी के जीवन से। From this passage of the Bible. और ये बाइबल के अध्याय से। Point number one. पहला बिंदु। Separation, pessimist and starving. अलगाव, निराशावादी और भूख से मरना। Yes, separation, pessimist and starving. हाँ, अलगाव, निराशावादी और भूख से मरना। They were separated because of their leprosy. वो अपने कुष्ठ रोग के कारण वहाँ से अलग हो गए। Which is a type and illustration of sin. ये तो पाप का एक प्रतीक और चित्रण है। In the world. और आज ये संसार में। We all have become pessimistic about future. हम सभी भविष्य के बारे में निराशावादी हो गए हैं। And we give up hope on life. और हम जीवन की आशा को खो देते हैं। Saying I can't handle it. ये कहकर कि मैं इसे नहीं संभाल सकता। I can't bear it. मैं इसे नहीं सहन कर सकता। It's too much for me now. अब ये मेरे लिए बहुत हो गया है। No hope. कोई आशा नहीं है। Why to live anymore? क्यों जीना अब? Who cares? किसको परवाह है? No future for me. मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है। No job for me. मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। The sin, the world, it drives us to a place of pessimistic hopelessness. पाप और ये दुनिया हमें एक ऐसे स्थिति में ले जाता है जहाँ पर हम एक निराशावादी व्यक्ति बन जाते हैं। When sin separates us from God. जब पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। What happens? क्या होता है? The devil steals the hope from a heart. शैतान हमारे हृदय से आशा को चुरा लेता है। Jesus gives us hope. यीशु हमें आशा देते हैं। Sin steals the hope away from us. पाप हमसे वो आशा को चुरा लेता है। These 4 lepers were in hopeless situation. और ये 4 कोरी तो एक निराशावादी स्थिति में थे। They became pessimistic. वो निराशावादी हो गए। About their future. अपने भविष्य के लिए। And today same situation is with many of us. और आज हम में से बहुत भी यही स्थिति में है। We have come to a place of self-condemnation. हम ऐसे जगह में पहुंचे हैं जहाँ पे हम खुद को दोषी मान रहे हैं। Many people are contemplating suicide. और बहुत सारे लोग आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। Why? क्यों? Because of hopelessness. क्योंकि वहाँ पे आशा नहीं है। Depression. डिप्रेशन की वजह से। And we blame each other for the problem we are facing. और हम एक दूसरे को दोष देते हैं हमारी स्थिति के लिए। But we don't understand, we don't realize that is all because we have been separated from our God. पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर से अलग किए गए हैं। When we don't have revelation of Jesus Christ in our life. जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का प्रकाश नहीं है। We condemn ourselves. हम अपने आप को दोष देते हैं। We blame each other. हम एक दूसरे को दोष या निंदा करते हैं। And we perish. और हम नाश होते हैं। We perish. हम नाश होते हैं। Many people are perishing today. और बहुत सारे लोग आज नाश हो रहे हैं। Rich and poor are perishing alike. अमीर और गरीब दोनों ही नाश हो रहे हैं। People are committing suicide. लोग आत्महत्या कर रहे हैं। Why? क्यों? Because of hopelessness. क्योंकि वहाँ पे आशा नहीं है। Because of the depression. उनके अवसाद या डिप्रेशन के कारण। They're able to handle it. वो इसे नहीं समझ पा रहे हैं। They are dying before their time. वे अपने समय से पहले मर रहे हैं। This is why I said. और यही कारण है मैंने कहा। Leprosy is a type and illustration of sin. कोर या कुष्ठ रोग पाप का एक प्रतीक या और चित्रण है। Sin spoils and destroys our life. पाप हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। It destroys everything in our life. हमारे जीवन में हर चीज को ये बर्बाद कर देता है। Slowly but steadily. धीरे लेकिन लगातार। But this is our choice again. पर ये फिर से हमारा चुनाव है। Would we like to stay there? क्या हम वहाँ रहना चाहते हैं? In a hopeless situation. हमारे निराशाजनक स्थिति में। And die. और वहाँ पे मर जाए। Or want to live. या फिर हम जीना चाहते हैं। Or want to believe for a destiny and live. कि हम एक निये
उन्नति के लिए भविष्य के लिए हम विश्वास करें और जिए। Deuteronomy 30:19 says, और व्यवस्था विवरण 30 का 19 कहता है, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। You don't have to die there. आपको वहाँ मरने की आवश्यकता नहीं है। In your hopeless situation, आपके निराशाजनक स्थिति में, In your depression, आपके अवसाद या डिप्रेशन में, Because Jesus loves you, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Just now we read in the Bible, अभी हमने बाइबल में पढ़ा। God says, I have placed before you life and death. परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण को रखा Now है। It's up to you and me. अब ये आप में निर्भर है। Do you choose to stay there? क्या आप वहीं पे रहना चाहते हैं? Or you want to believe God for a destiny and good future? या फिर आप परमेश्वर पे अपने नियति और अच्छा भविष्य के लिए विश्वास करें? God who created you sees you, my brother sister. परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की है वो आपको देखता है। Whether you know Him or not. आप उन्हें जानते हैं या फिर आप नहीं जानते हैं? But Jesus. God Almighty knows you. पर यीशु महान परमेश्वर आपको जानते हैं। For He created you. क्योंकि उन्होंने आपकी सृष्टि की है। In Him you may have life. उनमें आप जीवन को पाते हैं। In Him you may have a hope. उनमें आप आशा को पाते हैं। In Him you have a hope. उनमें आप आशा को पाते हैं। And that hope is revealed in Christ Jesus for you. और वो आशा आपके लिए मसीह में प्रकट होती है। That is why we have to tune up our ears to hear the word of God. इसीलिए हमें अपने कान को परमेश्वर के वचन में लगाकर सुनना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now let me move on to second point. आइए हम दूसरे बिंदु में जाएं। My second point is. और मेरा दूसरा बिंदु है। Finished redemptive work of Jesus Christ. यीशु मसीह के उद्धार का कार्य जो पूरा करना। Now verse 3 says. और तीसरा वचन कहता है, Second Kings chapter 7, दूसरा राजा 7 का 3, Now there were four leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, Why are we sitting here until we die? और चार कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? People will not die of hunger, my brother sister, actually. लोग भूख के कारण नहीं मरेंगे। But without Christ, people will die. पर मसीह के बिना लोग मरेंगे। This leper chose the better option to go to the Syrian army camp and surrender to them. और ये चार कोरी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वो आराम की सेना के शिविर में जाए और अपने आप को वहाँ पे समर्पण कर दे। Verse 4 says, और चौथा वचन कहता है, If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now therefore come, let us surrender to the army of Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. यदि हम कहे कि नगर में जाए, तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ महंगी पड़ी है। और जो हम यहीं बैठे रहे, तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। यू आर इन द प्लेस ऑफ चॉइस, आप चुनाव के जगह में हैं। बाइबल सेज, बाइबल कहती है, मल्टीट्यूड्स आर इन द वैली ऑफ डिसीजन, और बहुत सारे लोग वो चुनाव के घाटी में हैं। We always can choose life and not death. हम हमेशा जीवन के चुनाव कर सकते हैं। Jesus came to give us life. यीशु आए कि वो हमें जीवन दे। Jesus died so that we can live. यीशु मरे कि हम उनमें जिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now verse 6 and 7 says here. और 6 और 7 कहता है। Second Kings chapter 7. दूसरा राजा 7 का 6 और 7. For the Lord has caused the army of the Syrians
to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us." Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, their donkeys, and they fled for their lives. क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इज़राइल के राजा ने हिती और मिश्री राजाओं को वतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए. To their surprise, उनके आश्चर्य के लिए, God had made the Syrian army to hear the noise of a great army marching against them. परमेश्वर ने आराम की सेना को वो रथों और घोड़ों की और वो भारी सेना किसी आहट सुनाई थी. And they fled, leaving everything intact. और वो सब कुछ वैसे की वैसा छोड़ छाड़ के भाग गए. That was God's doing. और ये परमेश्वर का कार्य था. Yeah, that was God doing. ये परमेश्वर का कार्य था. 2000 years ago. 2000 साल पहले. God sent His only Son, Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा. To sacrifice Himself for us. कि वो उनको हमारे लिए बलिदान स्वरूप दे. So that today we may have hope in Him. कि आज हम उनमें आशा कर सके. John 3:16 says. और यूहन्ना 3:16 कहता है. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. Yes, God gave His only Son Jesus for you and me, my brother, sister. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया. If you are in the place of those 4 lepers, अगर आप आज उन 4 कोढ़ी के जगह में हैं, separated from God, परमेश्वर से अलग, living in hopeless situation, एक निराशजनक स्थिति में जी रहे हैं, living in depression, अगर आप अवसाद या depression में जी रहे हैं, even contemplating suicide, अगर आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, let me tell you, my brother, sister, मैं आपको बताऊं मेरे भाई और बहनों, hear the voice of God, आप परमेश्वर की आवाज को सुने. Jesus tells you, यीशु आपसे कहते हैं, you do not have to give up hope on your life, आपको अपने जीवन की आशा को छोड़ने की जरूरत नहीं है. Jesus is your hope. यीशु आपके आशा है. Jesus is your hope. यीशु आपके आशा है. Romans 5:8 says. रोमियो 5:8 कहता है. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Jesus has finished the work of our redemption. यीशु ने हमारे उद्धार के काम को वहाँ पे समाप्त किया. Whatever can bring us back to God. और जो भी हमें परमेश्वर में वापस ला सके. Whatever can give us hope in this life. और जो भी हमें इस जीवन में आशा को दे सके. Whatever can bring us healing and deliverance to our life. और जो भी हमारे जीवन में वचनगाई और छुटकारा को ला सके. Whatever can bring us peace and joy and happiness. और जो भी हमारे जीवन में वो शांति, खुशी और आनंद को ला सके. Whatever can bring us prosperity and success. और जो भी हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि को ला सके. Jesus had done everything. और यीशु ने वो सभी सब कुछ कर दिया. On the cross when he was dying, क्रूस में जब वो मर रहे थे, at the end he says, और अंत में उन्होंने कहा, it is finished, अब ये खत्म हुआ. He finished the work of our salvation. उन्होंने हमारे उद्धार के कार्य को समाप्त किया. For you he died on the cross. आपके लिए वो क्रूस में मारा गया. Today you don't have to die before your time. और आज आपको अपने समय से पहले मरने की जरूरत नहीं है. Jesus loves you, my brother, sister. यीशु आपसे प्रेम करते हैं. God had done a great work there. परमेश्वर ने वहाँ पे महान कार्य को किया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Now what happened after that? अब इसके बाद में क्या हुआ? Now these 4 lepers. अब ये 4 कोढ़ी. They go to the Syrian camp.
अब ये आराम की सेना के शिविर में जाते हैं। And they found there were no Syrian army. और उन्होंने देखा कि आराम की सेना वहाँ पे नहीं थी। And there were food, silver, gold, cloth, everything lying everywhere. और उन्होंने देखा कि वहाँ पे भोजन, वस्त्र, चांदी, सोना ऐसे ही बिखरे हुए थे। They went to one tent. वो एक शिविर में गए। They ate food and drank everything. वहाँ पे उन्होंने भोजन खाया, पिया। They took silver and gold. वहाँ से चांदी और सोना भी लिया। They took clothes. उन्होंने वस्त्र को लिया। Took them and hid them. और लेकर छुपा दिया। Again they came. फिर से वो आए। Enter the next room. और वो दूसरे कमरे में गए। Again they ate. वहाँ भी उन्होंने खाया। Again they took silver and gold. फिर वहाँ से सोना चांदी को लिया। They took the clothes. वस्त्र को लिया। Hid them. फिर छुपा दिया। They had plenty of food, my brother, sister. उनके पास बहुत सारे भोजन थे। They had clothes, silver and gold. उनके पास वस्त्र, चांदी, सोना था। They could everything they could. और जो भी वो ले सकते थे उन्होंने ले लिया। You know why? आपको पता है क्यों? Because God had done a great miracle there. क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर ने महान आश्चर्य कर्म को किया था। When God does that, जब परमेश्वर ये करते हैं, He does that. और ये वो करते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Bible says in Romans 8:32. और बाइबल रोमी 8 का 32 में कहता है। He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? Let me also read 2 Corinthians 8:9. और दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 को भी पढ़े। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Look, these four lepers. देखिए ये चार कोरी। They were starving. और ये भूखे मर रहे थे। Now they had everything. अब तो इनके पास सब कुछ है। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, The Lord God Almighty wants to bless us. प्रभु महान परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। He wants to change your whole situation. वो आपकी पूरी स्थिति को बदलना चाहते हैं। He wants to change your situation around. वो आपके आसपास की स्थिति को बदलना चाहते हैं। Because he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। But we have to make a choice. पर हमें तो चुनाव को करना है। These four lepers made a choice. ये चार कोरी ने चुनाव को लिख लिया। Not to stay in their hopeless situation. कि वो अपने निराशजनक स्थिति में ही ना रहे। But to go and surrender themselves to the Syrian army. पर वो अपने आप को आराम की सेना में समर्पण कर दे। Not knowing God had already done a great miracle there. उनको ये नहीं पता था कि महान परमेश्वर ने वहाँ पे आश्चर्य कर्म को कर दिया था। For them and for the people who were living inside the city. उनके लिए और जो लोग वो शहर के अंदर थे। Because the Lord God had already prophesied about it. क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। Through his servant prophet. उनके सेवक भविष्यवक्ता के द्वारा। Bible doesn't say only about being blessed materially. बाइबल केवल हमें भौतिक रूप के आशीष के बारे में नहीं बताती। And financially. और आर्थिक रूप से। But it teaches us. पर ये हमें सिखाती है। About our being right with God. कि हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में हो। By virtue of our being saved. जो गुण हमें उद्धार के द्वारा मिला है। We get saved when we believe. हम उद्धार को पाते हैं जब हम विश्वास करते हैं। What the Lord has done for us. जो प्रभु ने हमारे लिए किया। Yes, we have to believe what the Lord has done for you and me. हाँ, हमें विश्वास करना है जो प्रभु ने हमारे लिए किया। Let's read Romans 10:9-10. आइए हम रोमी 10 का 9 और 10 को पढ़े। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. And John 1:12 says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. We have to believe what the Lord has done for you and me. हमें विश्वास करना है जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए किया है. Yes, God sent his son Jesus Christ. हाँ, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेजा. He died for our sin. वो हमारे पाप के लिए मारे गए. He rose again. वो फिर से जीवित हो उठे. God raised him up from the dead. परमेश्वर ने उनको मृत्यु से उनको जी उठाया. And now we believe it from our heart. और अब हम अपने हृदय से उनमें विश्वास करते हैं. And confess with our mouth. और अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं. That Jesus is my Lord and Savior. कि यीशु मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु है. That's how we get saved. और ऐसे हम उद्धार को पा. And we read John 1:12. और हमने यूहन्ना 1:12 को पढ़ा. When we invite Jesus in our life. जब हम यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं. When we accept him as our Lord and Savior. जब हम उन्हें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं. He comes in our life, in our heart. वो हमारे जीवन और हमारे हृदय में आते हैं. And he gives us right to become his children. और वो हमें अधिकार देते हैं कि हम उनके संतान हो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. What an amazing blessing it is. ये कितनी महान आशीष है. People like us, unworthy people. हमारे जैसे अयोग्य लोग. Who don't even deserve to be called God's children. जो ये योग्य के भी नहीं है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए. But we simply by believing him. पर अगर हम साधारण रूप से उनमें विश्वास करें. And asking forgiveness, confessing our sin. और अपने पापों की अंगीकार करें और पश्चाताप करें. Making Jesus our Lord and Savior. और यीशु को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता बनाए. Jesus gives us the right to become his children. यीशु हमें उनके संतान होने का अधिकार देते हैं. Hallelujah. Hallelujah. How can we, forfeit? How can we, miss such an amazing grace? और हम ऐसे महान अनुग्रह को कैसे गवा दे सकते हैं? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति. Because Jesus is our Savior. क्योंकि यीशु तो हमारे उद्धारकर्ता है. He alone can take us from the hopeless situation to the hope. वो ही है जो हमें हमारे निराशजनक स्थिति से आशा के जगह में लेकर जा सकते हैं. Jesus alone can save us from our sin. यीशु ही है जो हमें हमारे पापों से वो हमें बचा सकते हैं. Because he only died for our sin. क्योंकि वो ही है जो हमारे पापों के लिए मारे गए. Whosoever you may be. आप कोई भी हो सकते हैं. Wherever you are. आप कहीं भी हो सकते हैं. Whatever your sin may be. आपका पाप कुछ भी क्यों ना हो. Jesus' blood can cleanse us. यीशु के लहू आपको धोकर शुद्ध कर सकता है. The Bible says. बाइबल कहती है. The Son of God has authority to forgive our sin on this earth. और परमेश्वर के पुत्र को के पास वो अधिकार है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे संसार में. No, Acts 4:12 says. और प्रेरित का काम 4:12 कहता है. Nor is there salvation in any other. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. Jesus said. यीशु ने कहा. I am the way, the truth and life. मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ. Only in Jesus we can be saved. केवल यीशु में ही हम उद्धार को पा सकते हैं. Jesus came as savior of our life. यीशु हमारे जीवन के उद्धार करता है. Hallelujah. Hallelujah. When we make him our Lord and Savior. जब हम उन्हें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता बनाते हैं. He
He gives us hope in this life. वो हमें इस जीवन में आशा को देते हैं. Romans 10:13 says. और रोमियो 10 का 13 कहता है. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Let's move on to the third and last point. आइए हम तीसरा और अंतिम बिंदु को देखें. Third point is. और तीसरा बिंदु यह है. This is the day of good news. ये है सुसमाचार का दिन. Now these four lepers. अब ये चार कोरी. They ate everything they could eat. और उन्होंने वो सब कुछ खा लिया जो वो खा सकते थे. They drank everything they could drink. और वो जो भी पी सकते थे उन्होंने पी लिया. They took a silver and gold and cloth, whatever they could take, they took and they hid for themselves. और उन्होंने अपने लिए चांदी सोना वस्त्र जो भी ले सकते थे वो लेकर छुपा लिया. They had a great time. और उन्होंने बहुत अच्छा समय को बिताया. बाइबल सेज देन दे रियलाइज्ड. पर बाइबल कहती है कि तब उन्हें ये एहसास हुआ. दे वर नॉट डूइंग राइट. वो सही नहीं कर रहे हैं. दिस इज द डे ऑफ गुड न्यूज. ये तो सुसमाचार का दिन है. वर्स 9 सेज सेकंड किंग्स चैप्टर 7. और दूसरा राजा 7 का 9 कहता है. देन दे सेड टू वन अनदर, वी आर नॉट डूइंग राइट. This is the day of good news, and we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now, therefore, come, let us go and tell the king's household. तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है. यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते. जो हम वो फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा. सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे. Brother, sister, salvation is for us all. मेरे भाई और बहनों, उद्धार हम सभी के लिए है. Bible says, बाइबल कहती है, if you believe, अगर आप विश्वास करें, then you and your household shall be saved. तो आप और आपका पूरा घराना उद्धार को पाएगा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. This is the case with many of us today. आज हम में से कई लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. We have been saved. हमें उद्धार मिला है. Delivered. छुटकारा मिला है. Healed and blessed. हमें चंगाई और आशीष मिली है. And are happy within ourselves. और हम अपने अंदर ही हम खुश हैं. But this is the day of good news. पर ये तो आज सुसमाचार का दिन है. And we are not doing good by keeping it to ourselves. और हम ये अच्छी बात नहीं कर रहे हैं ये सब को अपने अंदर ही रखकर. This good news is to be shared with our friends and relatives. और ये सुसमाचार तो हमें अपने मित्रों और अपने लोगों के साथ हमें बांटना है. Who are still in bondage of sin and Satan. जो अभी भी पाप और शैतान के बंधन में है. They are lost in their sin. वो अपने पाप में खोए हुए हैं. Luke 19 verse 10 says. और लूका 19 का 10 कहता है. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. We church. हम आज कलीसिया मस्ट प्रीच द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट. हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को आज प्रचार करना है. बिकॉज गुड न्यूज इज द ओनली होप फॉर द लॉस्ट वर्ल्ड. क्योंकि सुसमाचार ही वो एकमात्र आशा का कारण है हमारे खोए हुए संसार के लिए. गुड न्यूज ऑफ व्हाट द लॉर्ड हैज डन 2000 इयर्स बिफोर. सुसमाचार जो यीशु ने 2000 साल पहले किया. यू सी 2000 इयर्स बिफोर जीसस डाइड फॉर द होल वर्ल्ड. 2000 साल पहले यीशु पूरे संसार के लिए वो मारा गया. He finished the work of salvation for the whole humanity. उन्होंने पूरी मानवता के उद्धार के कार्य को वहाँ पे समाप्त किया. And yet even today we see the multitudes of people without being saved. और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको उद्धार नहीं मिला है. People have not even heard the good news of Jesus Christ. लोगों ने आज यीशु के सुसमाचार को भी नहीं सुना है. Why? क्यों? Because we church are not preaching the gospel, good news. क्योंकि हम कलीसिया सुसमाचार को नहीं प्रचार कर रहे हैं. You, my brother, who are saved. आप मेरे भाई जो उद्धार को आपने पाया है. You, my dear sister, who are saved. मेरी बहन जो आपने उद्धार को पाया है. You have not shared your life testimony with your friends and relatives. आपने अपने मित्रों और लोगों के साथ अपने जीवन की गवाही को नहीं बांटा है. We church have not shared the good news. हम कलीसिया ने सुसमाचार को नहीं बांटा है.
We are not doing it seriously. हम इससे गंभीरता से नहीं कर रहे. We are not taking this work as the primary work of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं. Paul said. पॉल ने कहा. Woe unto me if I don't preach the gospel. हाय मुझ में अगर मैंने सुसमाचार को नहीं प्रचार किया. We have to preach good news by ourselves. हमें खुद ये सुसमाचार को प्रचार करना है. We have to help our pastor to preach the good news. हमें अपने पासवानों की सहायता करनी है जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं. We have to help our church to preach the good news. हमें अपनी कलीसिया की सहायता करनी है कि वो सुसमाचार को प्रचार करें. Because this is something God wants you and me to do. क्योंकि ये है जो प्रभु चाहते हैं कि हम करें. You have to raise the people from our church to send them out to preach the good news. हमें कलीसिया से ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो बाहर जाके सुसमाचार को प्रचार करे. Without preaching the good news, people will not know what the Lord has done for them. अगर हम सुसमाचार को नहीं प्रचार करेंगे तो लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या प्रभु ने उनके लिए किया है. Isaiah 9:2 says. यसाया 9 का 2 कहता है. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of shadow of death, upon them a light has shined. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. Yes, people who are dying in their sin. हाँ, जो लोग अपने पापों में मर रहे हैं. They are in bondage of sin and Satan. वो पाप और शैतान के बंधन में हैं. But the Lord wants to save them. पर प्रभु चाहते हैं कि उन्हें उद्धार मिले. But Lord will save them only when you and I take up this responsibility as a church, as a believer. पर प्रभु ये काम को तभी करेंगे जब आप और कलीसिया इस कार्य को प्राथमिकता दे. It's not enough for you and me to be saved and enjoy your life. ये काफी नहीं है कि हम उद्धार को पाए और हम अपने जीवन का आनंद को उठाए. The Lord is going to ask us about this. प्रभु हमसे पूछेंगे इस बारे में. What did you do with the good news that I gave you? तुमने जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया उससे तुमने क्या किया? That is why, my brother, sister, we have to preach the good news. इसीलिए मेरे भाई और बहनों हमें सुसमाचार का प्रचार को करना है. Then we read 2 Kings 7:15-16. हम दूसरा राजा 7 का 15 और 16 में पढ़ते हैं. And they went after them to the Jordan, and indeed all the road was full of garments and weapons which the Syrians had thrown away in their hasty. So the messengers returned and told the king. Then the people went out and plundered the tents of the Syrians. So a seah of fine flour was sold for a shekel, and 2 seah of barley for a shekel, according to the word of the Lord. तब वे यर्दन तक उनके पीछे चले गए और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है जिन्हें आरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था. तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया. तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक से एक सेया मैदा एक शकेल में और 2 सेया जेव एक शकेल में बिकने लगा. Because of these 4 lepers testimony. ये 4 कोढ़ियों के गवाही के कारण. Because they took the good news to the people living inside the city. क्योंकि उन्होंने ये सुसमाचार को जो लोग वो शहर के अंदर थे उन तक पहुंचाया. They were living in fear. वो डर में जी रहे थे. They were starving. वो भूख से मर रहे थे. When these 4 lepers took the good news of the Lord God Almighty, what he had done. पर जब ये 4 कोढ़ियों ने वो सुसमाचार को उन तक पहुंचाया जो प्रभु परमेश्वर ने किया था. Finally, they believed the good news. अंत में उन्होंने ये सुसमाचार पर विश्वास किया. And they were delivered, they were saved. और उनको छुटकारा मिला और वो बचाए गए. They had plenty of food and everything. और उनके पास बहुत ज्यादा भोजन और सब कुछ था. Because of the 4 lepers took the good news to them. क्योंकि ये 4 कोढ़ी ने वो सुसमाचार को उन तक पहुंचाया. I believe the Lord has spoken to you. मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु ने आपसे बात की है. I believe the Lord has challenged you today. मुझे विश्वास है कि आज प्रभु ने आपको ये चुनौती दी है. That is not enough for you and me to be saved. ये काफी नहीं है कि आप और मैं उद्धार पाए.
We must be a channel of blessing for others. हमें वो आशीष का स्रोत हमें बनना है. Our friends, relative must be saved. हमारे मित्र हमारे लोग को उद्धार मिलना है. I want to pray right now. मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ. For you. आपके लिए. If you are in the place of those four lepers. अगर आप उन चार कोढ़ियों की जगह में हैं. Living in sin. पाप में जी रहे हैं. In bondage. आप बंधन में जी रहे हैं. In depression. अवसाद या डिप्रेशन में जी रहे हैं. Giving up hope on life. आप अपने जीवन में वो आशा को गुमा रहे हैं. Well, let me tell you. पर मैं आपको बताऊं. Jesus is your hope. यीशु आपके आशा है. In Jesus you can be a victorious person. यीशु में आप जयवंत व्यक्ति बन सकते हैं. I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं. So that today you receive the touch of Jesus Christ. कि आज यीशु मसीह आपको आज छुए. The Holy Spirit will touch you. पवित्र आत्मा आपको छुएंगे. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Just close your eyes and pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें. Father God, in the name of Jesus. परमेश्वर पिता यीशु के नाम में. We together pray according to your word. हम एक साथ आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं. There are people. ऐसे लोग हैं. Who are living a life separated from God. जो परमेश्वर से अलग जीवन को जी रहे हैं. Some of them have never been saved. और ऐसे भी हैं जो कभी उन्होंने उद्धार को नहीं पाया है. And some of us are, after being saved, we have been backslided. और हम में से ऐसे हैं जो उद्धार पाने के बाद भी हम आपसे दूर हो गए हैं. Living in separation. हम अलगाव में जी रहे हैं. Living in leprosy. हम वो कोरी के तरह हम जी रहे हैं. Living in sin. हम पाप में जी रहे हैं. And it's ruining our life. और ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है. Destroying our life. हमारे जीवन को नाश कर रहा है. Dear Lord Jesus. प्रिय यीशु मसीह. Today you have spoken to us. आज आपने हमसे बात किया है. We ask you forgive us. पिता हमें आप क्षमा करें. We ask you to cleanse us. हमें आप शुद्ध करें. We ask you to give us your presence. आप हमें अपनी उपस्थिति को दे. We ask you to heal us and deliver us. आप हमें चंगाई दे और छुटकारा को दे. And draw us closer to you. और आपके नजदीक हमें लाए. Even as we are repenting and asking forgiveness. जैसे हम पश्चाताप कर रहे हैं और हम क्षमा को मांग रहे हैं. Returning to you. हम आप में वापस आ रहे हैं. And Lord, we pray. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. My brothers, sisters, my friends who have never been saved. और मेरे भाई और बहनों और मेरे मित्रों जिनको कभी भी उद्धार नहीं मिला है. Lord, I pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ. Please reach out to them. आप उनको छुइए. They need not to die before time. और उनको उनके समय से पहले मरने की आवश्यकता नहीं है. They need not to live in depression. उन्हें डिप्रेशन में जीने की जरूरत नहीं है. They need not to allow the devil to destroy their life. ये जरूरी नहीं है कि शैतान को वो अनुमति दे उनके जीवन को नाश करने के लिए. They need not to live in a hopeless situation. उन्हें निराशाजनक स्थिति में जीने की आवश्यकता नहीं है. For you have finished the work for the salvation. क्योंकि आपने उनके उद्धार के कार्य को समाप्त किया. You came to give us all hope in you. आप आए कि हम आप में आशा को पाए. So Lord, right now touch them. प्रभु अब इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श को दे. Enable them to open up their hearts to welcome you as the Lord and Savior. आप उन्हें सहायता करें कि वो अपने हृदय को खोले और आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में बुलाए. Yes, Lord Jesus, help them. हाँ प्रभु यीशु उन्हें सहायता करे. Let your light shine upon the dark areas of life. और उनके जीवन के वो अंधकार से भरा हुआ स्थिति में ज्योति को लाए. Though they are living in the shadow of death. पिता वो तो मृत्यु के छाव में जी रहे हैं. Let them receive life, O Lord. उनमें ज्योति आए प्रभु. Thank you, Lord Jesus. Bless them. धन्यवाद प्रभु यीशु आप उनको आशीष दे. Thank you, Lord Jesus. Bless them and touch them. धन्यवाद प्रभु यीशु आप उनको आशीष दे और उनको स्पर्श दे. Deliver them. उनको छुटकारा दे. Bless them. उनको आशीष दे. Thank you, dear Lord Jesus, for this wonderful word that has come today. धन्यवाद प्रिय प्रभु यीशु आज के वचन के लिए जो आया है.
We give you glory and honor. हम आपको आदर और महिमा देते हैं. Those who are sick and not well. जो अस्वस्थ और बीमार हैं. Lord, please touch them. प्रभु आप उन्हें स्पर्श दे. Heal them, O Lord. उन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु. And I pray for the God. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय प्रभु. Those brothers and sisters who are praying for a financial breakthrough in their life. जो अपने जीवन में आर्थिक छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Lord, praying to you for a job. वो अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Praying for you to bless their business. वो चाहते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके व्यवसाय में आपकी आशीष हो. During this pandemic and lockdown. और पिता ये जो महामारी और ये लॉकडाउन का समय है. They have suffered loss. उन्होंने वो नुकसान को सहा है. Lord, as they are praying to you. प्रभु जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं. Please open the doors for them. उनके लिए आप वो द्वार को खोले. New opportunities, O Lord. और नए मौके को उनके लिए आप दीजिए. Yes, nothing is too hard for you. हाँ, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है. We thank you for your love and mercy for your children. हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. We ask this prayer in Jesus' mighty name. हम इस प्रार्थना को यीशु के महान नाम में मांगते हैं. Amen. Amen. Thank you, my brother, sister, for hearing the word of God patiently. धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आज के वचन को सुनने के लिए. I believe you have been able to hear God's voice today for yourself. और मैं आशा करता हूँ कि आज आपने परमेश्वर की आवाज को अपने लिए सुना है. And you have taken up the challenge to share your life testimony, good news with your friends and relatives. जैसे हमने इस चुनौती को लिया है कि हम अपने जीवन की गवाही को और ये सुसमाचार को अपने मित्रों और अपने लोगों तक हम पहुँचाए. If you have any prayer points, my number is on the screen. You can surely leave your prayer points. We love to pray for you. और स्क्रीन में मेरा नंबर दिया गया है. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना के निवेदन है आप हमें इस नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. We'll share the grace together. और हम अनुग्रह को साथ में मांगेंगे. And as I'm saying grace in English, there is a verse in Hindi. You can read out the verse.